किसी की टीम नहीं बनती, लेकिन इस वर्ड फॉलोअप की वजह से आज किसी की 16 लाख की टीम है, किसी की 10 की है, किसी की 5 लाख की है, किसी की 4 लाख की है, किसी की 3 लाख की है, किसी की 2 लाख की है, किसी की 1 लाख की है, किसी की 50,000 की है, किसी की 30,000 की है, किसी की 10,000 की है, किसी की 5,000 की है, किसी की 3,000 की है, किसी की 2,000 की है, किसी की 500 की है, किसी की 200 की है, किसी की 100 की है, किसी की 50 की है, किसी की 20 की है, किसी की 18 की है। सिर्फ फॉलोअप की वजह से, फॉलोअप की वजह से फॉलोअप होना चाहिए, yes. करना चाहिए, yes. रूल क्या है, या तो आप करो इस फॉलोअप को या कोई और करेगा। तुमने प्लान दिखा के छोड़ दिया और तुम फॉलोअप नहीं कर रहे तो कोई और करेगा भाई, और वो किससे करवा ले फॉलोअप उसका कोई पता नहीं है भाई साहब, उसका कोई नहीं पता किससे करवा ले, क्योंकि हम तो जा नहीं रहे। क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद एक खुजली जरूर चलती है आदमी को, या तो तुम खोर क्या हो या किसी से और से खुरवाएगा। तुम पहुंच गए तो सही दे दोगे दवाई, और किसी और के पास पहुंच गया तो कोई पता नहीं कैसी दवाई दे दो। तो आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप टेक्निक्स में क्या आता है, मिनिमम 24 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए या लास्ट 48 आवर में, लास्ट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फुंसी होती है ना, उसको फोड़ा बनने में समय नहीं लगता। फुंसी का इलाज है, साला फेरोलवली भी दबा देती है फुंसी को तो, लेकिन फोड़ा बन गया तो ऑपरेशन है फिर, और वो सक्सेसफुल हो ना भी हो उसके लिए फिर सॉरी भी बोलना पड़े, है कि नहीं है? तो सही समय पे फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है सही रिजल्ट के लिए। इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप के क्या महत्व है, 2% सेल आती है फर्स्ट कॉन्टेक्ट में। जब आप पहली बार किसी से जाके मिलते हैं तो 2% आती है, और जब दूसरी बार मिलते हैं तो 3% सेल आती है, और जब चौथी बार 5% तीसरी बार मिलते हैं तो 5% सेल आती है, और चौथी बार मिलते हैं तो 10% सेल आती है। अगर आप 80% सेल के मालिक बनना चाहते हैं, पहले तो बताओ बनना चाहते हैं, ऐसा नो, तो पांचवे कॉन्टैक्ट 5 से 12 बार जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो 80% लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग 10% तक रिजल्ट क्यों निकाल पाते हैं, क्योंकि वो मिलना बंद कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, जज करना, कि वो तो नहीं करेगा। अरे आप मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, आप उससे लगातार मिलते रहिए जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाए, लगातार। आपने अचीवमेंट आते हैं तो वो जाके दिखाते रहिए उसको कि सर उसी काम से ये हुआ है, फिर जाइए, फिर उसी काम से ये हुआ है। फॉलोअप के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, सामने वाले को मिलने की कोई वजह भी देनी है। जब आप उसको प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद एक वजह भी होनी चाहिए उससे मिलने की, चाहे तो आप उसको ऑडियो वीडियो सीडी दीजिएगा, चाहे आप उसको बुक दीजिएगा। मिलने की वजह होनी चाहिए कि मैं क्यों मिलूंगा, सर मैं आपको ये लूंगा, ये पढ़िए, मैं आपको लेने आऊंगा, ये एक वजह दीजिए। उसके घर पहुंचने का टाइम सेट होना चाहिए। लोक व्यवहार का ध्यान रखें, जब किसी के घर आप जाते हैं तो लोक व्यवहार का जरूर ध्यान रखें, नमस्ते करना, है ना, अपनी बहन की तरह उसकी बहन को मानना, हर रिलेशन का सम्मान करना आना चाहिए हमें, हर रिलेशन का। किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना, क्योंकि किचन से बार बार आना जाना होता है ना। आप गए हो तो आपके लिए चाय तो बनेगी, सूट बूट में गए हो तो चाय बनाने के लिए, मान लो उसकी बीवी बना रही है और वो बार बार आ रही है, आप किचन की तरफ मुकर, आपका कोई इंटेंशन भी नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन पता चले 2 बार साला ऐसा होता है कि वो निकलती है, तेरा मुंह उठाना होता है, फिर वो अंदर जाती, फिर तेरा मुंह, सामने वाला सोचेगा यार दिखाने क्या है, देख क्या रहा है, तेरा इंटेंशन नहीं है, अनफॉर्चुनेट होता है ऐसा। तो क्या करना है, अपने को ऐसी फफूंद पालनी नहीं है ना, साला पीट करके बैठ जाओ, बात खत्म। तो इसका ध्यान रखना है, कपल में फॉलोअप करना है, फॉलोअप अकेले में नहीं होना चाहिए। शादीशुदा है तो बीवी को बुलाइए, पिताजी को बुलाइए, उसकी मम्मी जी को बुलाइए, बड़े भाई को बुलाइए, बुला के कीजिए फॉलोअप, बताइए। मान लो उसकी बीवी बैठी हुई है, मारो 2 डायलॉग, सर क्या आप नहीं चाहते हैं भाभी जी को स्विट्जरलैंड घुमाना, सर गोवा घुमाना नहीं चाहते सर आप, क्या आप चाहते हो इस बार करवा चौथ पर हार गिफ्ट करें आप 1-1.5 लाख का, चाहते हो आप? अब वो मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो वो बैठा है। तो कपल में फॉलोअप होने चाहिए, विवाद नहीं करना, कई विवाद करने लग जाते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि 100 रुपये का पेट्रोल फूक के बाइक में और 50 किलोमीटर गए हम एक आदमी की सैर लेने के लिए, और वो हमसे उल्टी सीधी बात करता है और मना कर देता है, तो गुस्सा तो आता है यार।
कि तू एक बात बता, पहले बता देता तो मैं यहाँ 100 रुपये का पेट्रोल पुक के अपनी ऐसी तैसी कराने आता है क्या, ये बता। नहीं, वहाँ विवाद करने लग जाते हैं, विवाद। तो इसलिए हम अपना परमानेंट रास्ता बंद कर देते हैं। तो विवाद नहीं करना, बीच में नहीं बोलना। कहीं जो सामने वाले बोलते रहे तो बीच बीच में बोलने, पहले इसको खाली करो। बोतल खाली हो गई तो टक्क देनी, डाल देना फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, भरे भराए में ठूंसते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं जाता। खाली करो, उसको बोलेगा, परेशानी बताएगा, मैं इससे परेशान, इससे परेशान, खाली करो। मोबाइल बंद कराना है, जैसे उसके पास मोबाइल है तो सर मोबाइल प्लीज बंद कर लीजिए। जिद भी नहीं करना, नहीं करे तो, बंद नहीं करेगा तो चालू भी नहीं करेगा, हैं? ऐसा भी नहीं करना। मुस्कराते रहना है, मुस्कराते रहो, हमेशा खुश रहो। कोई भी सवाल करे खुश हो जाओ, कोई भी सवाल करे खुश हो जाओ। मेरे पास आते थे मेरे टीममेट्स जो थे शुरुआत में, और बोलते थे, बोला सर वो एक आदमी है जिसके 10 सवाल है सर, और वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है तुम्हारे बढ़िया अपलाइन है ना जो टॉप, उससे मिलवाओ सर हमें, वो ही बताएगा। तो सर चलो, मैं जाता था और वो जैसे ही एक सवाल बोलता था कि सर वो बताइए आपकी जो कंपनी है वो सर भग तो नहीं जाएगी। मैं खुश होता, अरे साहब पांडे जी मजे कर दिए, क्या सवाल करते हो, अब आओ पहले गले लगो सर, आओ आओ एक बार। इतने तरीके से मिलता था साला, पहली एंट्री इतनी धासू होती थी, वो सवाल तो भूल ही गया, नो तो भूल ही गया बाकी के, और इसका भी जवाब मत दो चाहे फिर तू। लेकिन अपने साथ क्या होता है, अपन सीरियस हो जाते हैं। जैसे उसने सवाल किया कि सर वो कंपनी भग जाएगी, हैं? बोला और क्या, सच्ची? बोला मुच्ची, सच्ची सच्ची नहीं, पक्का? बोला हाँ, या तो तुम उस पे हावी हो जाओ या वो तुम पे हावी हो जाए। वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो वो तुम्हारी बैंड बजा के ही भेजेगा, और वो मौका देते कौन है हावी होने का, वो हम देते हैं। फर्स्ट एंट्री धांसू होनी चाहिए, जैसे हीरो की नहीं होती पिक्चर में, ऐसी एंट्री होनी चाहिए अपनी, सामने वाला भूल जाए सब। उत्साह में रहना है, खुश, जोश में, हर जवाब जोश में होना चाहिए, तरीके से धुआंधार। सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है, जो मैं बता चुका हूं आपको, अक्सर आप क्या क्या खुशियां यहां से ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आप। बताऊ, एक मिनट, वेट 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 वेट, सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है। दुखी नहीं होना, क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना। दुखी हो जाते हैं कई लोग, जैसे ही मना किया 5 लोगों ने दुखी हो गए। जुड़ना ही पड़ेगा सर, सामने वाला बोलता है क्यों भाई, 5 वीक हो गए एक नहीं जुड़ा। अच्छा, जुड़ना ही है, मैं तो यही हूं, या तो जुड़ो या मैं नहीं जा रहा। इतना दुखी हो गया बेचारा, अब दुखी को तो वो भी कैसे झेलेगा बताओ, मैं वो तरीके से बाहर करेगा फिर। दुखी नहीं होना, रॉयल एग्जिट होना चाहिए। सर कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन मैं वो इंसान हूं जो 24 घंटा 365 दिन उन लोगों से मिलना पसंद करता हूं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। और आपको आज नहीं लग रहा, जिस दिन लगे कुछ करना बड़ा है उस दिन ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पकड़ो, मुझसे जरूर मुलाकात करना। थैंक यू वेरी मच सर। ये होता है रॉयल एग्जिट। क्या है ये? रॉयल एग्जिट है, ये रॉयल एग्जिट होना चाहिए, रॉयल एग्जिट। सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मैंने इसको ना बोला या हां बोल दिया, है? गलती से हां तो नहीं बोल दिया, ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए वो। रॉयल एग्जिट होना चाहिए। F3 नियम, फॉलोअप के दौरान इसका बहुत बड़ा योगदान है। F3, फील, फेल्ट और फाउंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने जाना तो ऐसा नहीं, ऐसा था। इसका यूज करना है आपको हर उसके सवाल के बाद, हर उसके सवाल के बाद, हर उसके सवाल के बाद। जैसे ही वो बोलता है कि कंपनी भाग जाएगी तो गुस्सा नहीं करना। और पहले पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते थे, सामने वाला हॉल्ट और कर जाए। बोला आपने शादी करी है सर? बोले नहीं, मत करना, नहीं तेरी बीवी भाग जाएगी।
ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देते थे, ये सही है क्या? ना, गलत है। उसको जवाब कैसे देना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो खुश हो जाएगा कि यार देखो मैं कितना सही हूं, है ना। फिर आप ये और बोलो कि मेरा भी यही मानना था, फिर और खुश हो जाएगा वो, अरे वाह यार ये तो अपना ही आदमी है यार, है उसको ये नहीं पता तीसरे में इलाज करेगा ये। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मुझे पता चला तो ये पहली कंपनी हिंदुस्तान की जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड गाइडलाइन रजिस्टर्ड करके उसको सर्टिफाइड किया है, पहली कंपनी है सर, आज तो मौका है भाई। आजकल कोई फालतू का जवाब देने की जरूरत है क्या? अशोक स्तंभ दिखाने की जरूरत है, मिल गए ना अपने को। ये देखो सर कंज्यूमर अफेयर्स की मोर लग गई है सर, ये देखो जवाब दे दिया तरीके से। वो बोलता है सर मेरे से दो नहीं बनेंगे, अब एक तो ये बोलो कि फिर काहे को आए इस धरती पे, धरती पे बोझ। वो कपिल नहीं बोलता एक काम कर तू गो फॉर सुसाइड, मर जा जा, ये गलत है। आपको बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा भी यही मानना था कि दो नहीं बनेंगे, लेकिन दोस्त जब मैंने इस काम को किया तो आप दो की बात करते हैं, आज मेरे साथ इतने लोगों की टीम है और यहां बनाना नहीं होता है, यहां अपना बनाना होता है, और अपना बनने के लिए कौन तैयार नहीं होगा सर। वो बोलता है कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो एक तो ये बोल सकते हैं तेरे बाप दादा ने पहने कभी सूट है, महंगे 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 हैं सारे ने लगा रखी है, सारे कुर्ते पजामे में बड़े हुए हो तुम, जानता है ग्रासिम निकल, कुर्ता पजामा ये तेरी किस्मत में, जा। तो ये भी बोल सकते हैं हम, और एक दूसरा तरीका अपना वाला है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने जाना इन प्रोडक्ट की क्वालिटियों के बारे में और मार्केट में जाकर के इनका सर्च किया और गूगल पे जाके मैंने सर्च किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉस्ट मार्केट में ज्यादा है और हमारी कंपनी के पास कम है। दूसरी बात आज कोई भी किसी को महंगा नहीं बेच सकता, क्योंकि आज कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि आज हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है और उसमें गूगल बाबा है, और कुछ भी डालो तो वो सब बता देता है, तो आज कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता सर, सब बढ़िया है, आप देखिए सर। तो इस तरह से जो भी सवाल आदमी करता है उसका जवाब अपन दे सकते हैं F3 नियम के माध्यम से, देना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, यहां होता है हमारा फॉलोअप और अब आता है।